ओम नमः पवित्रो नमस्कार। न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों पर कोई अमल करे ना करे, लेकिन प्रेमी युगल अमल जरूर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिनों शादी विवाह की अगर हम बात कहें तो दहेज प्रथा अब तक हमारे समाज से खत्म नहीं हुई है। लोग अब भी दहेज मांगते हैं। शादी में जो डिमांड्स हैं वो लड़के पक्ष की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा मामला सामने आया है जिसमें प्रेमी युगल ने समाज को जोरदार तमाचा जड़ते हुए दहेज प्रथा को खत्म करते हुए शादी रचाई है, और साथ ही ये भी बताया है कि अगर उन दोनों में प्रेम हो और अगर वो शादी करना चाहते हैं तो इस बीच दहेज का स्थान कहीं से भी नहीं है। अब ये पूरा मामला बिहार के किस जिले से निकलकर सामने आया है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उन दोनों प्रेमी युगल की है जो अपने प्यार को अंजाम पहुंचाने के लिए अपने पिता की तरफ से किए गए उन दहेज के बात को दरकिनार इन्होंने किया है, और साथ ही पूरे रीति रिवाज से इन दोनों ने शादी रचाई है, और साथ ही सरपंच और पुलिस के सामने इन दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अकोला गाँव निवासी कैलाश प्रसाद यादव ने अपनी बेटी संगीता कुमारी की जो शादी है वो नहीं करवाना चाहते थे, जिससे वो प्यार करती थी इसका वो विरोध उनकी तरफ से किया जा रहा था। ऐसे में ये पूरी जो कहानी है वो नवादा जिले के सरदला थाना क्षेत्र के मंदिर के पास की है, जहां पे प्रेमी युगल ने शादी रचाई है और दहेज लोभियों पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए ये एहसास दिलाया है कि दो प्रेमी युगल ने जब प्यार उनके बीच होता है तो वो शादी भी जरूर करेंगे। और साथ ही ये तो तस्वीरें हैं, वो सरपंच और पुलिस के सामने बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर कर शादी रचाते हुए इन दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से जो शादी है वो की है। ऐसे में अकोला गांव निवासी कैलाश प्रसाद यादव की पुत्री संगीता कुमारी और साथ ही कसियाडीह गांव के निवासी विजय प्रसाद यादव के बेटे प्रमोद कुमार के साथ शनिवार को मंदिर में विवाह संपन्न कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 2 साल से प्रेम मोहब्बत चल रहा था। युवक अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन युवक के पिता ने उसकी शादी कहीं दूसरी जगह सेट कर दी और 24 लाख तिलक लेकर बेटे का विवाह धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन बेटा इस शादी से लगातार इनकार कर रहा था, और अंत में आकर उसने प्रेमिका के साथ थाने पहुंचकर गुहार लगाई और साथ ही ये भी कहा कि उसे अपनी प्रेमिका से ही शादी करनी है, जिसके बाद सरपंच को बुलाया गया और सरपंच ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर प्रेमी जोड़े की जो विवाह है वो मंदिर में संपन्न करवाई गई। ऐसे में प्रमोद प्राइवेट सिविल इंजीनियर है और संगीता गांव में आवागमन करती थी। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई, प्यार का सिलसिला आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते दोनों के बीच शादी को लेकर फैसला भी किया गया, लेकिन प्रमोद के पिता इस शादी के खिलाफ थे। सरपंच के फैसले के बाद उन दोनों के मंदिर में शादी करवाई गई। तो बता दें कि जो पिता थे प्रमोद के उनकी तरफ से 24 लाख रुपये का दहेज मांगा गया और कहीं और अपने बेटे की उन्होंने शादी तय करवा दी, लेकिन चूंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके बाद पुलिस में जाकर शिकायत करवाई गई, सरपंच को बुलाया गया और फिर सभी को समझा बुझाकर दोनों परिवार वालों की मौजूदगी में इन दोनों प्रेमी युगल की शादी करवाई गई। तो कई सारे किस्से कहानियां समाज से देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक मिसाल है कि किस तरह से दहेज को दरकिनार करते हुए, क्योंकि बात अगर हम करें तो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी दहेज प्रथा को हमारे समाज से खत्म किए जाने की बात कही जा रही है, और ये एक अच्छी पहल की शुरुआत है जो आजकल के नवयुवक की तरफ से ही उठाई जा रही है, जिसमें पुराने सोच को और पुराने रीति रिवाज को खत्म करते हुए प्रेमी युगल की तरफ से ये कदम बढ़ाया गया और उन्होंने बिना किसी दहेज के सिर्फ और सिर्फ प्यार के बलबूते पर इस शादी को रचाई है, जिसको लेकर समाज और आसपास के लोग भी इस शादी की मिसालें दे रहे हैं। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।